वहाँ के स्थानीय प्रधान ने सबसे पहले सूचित किया था कि ऐसा ऐसा रसायन युक्त या लाल रंग का पानी बह रहा है, और फिर उससे बाद में पता लगा कि वहाँ पे एक कत्था उद्योग चल रहा था, कत्था उद्योग में कोई विस्फोट हुआ या उनके जो टैंक बस्ट हुए थे उनमें से वो जो बह के पानी नदी में आया, और उससे ये स्थितियाँ पैदा हुई। और शुरुआती सूचना के मुताबिक एसपी बिलासपुर ने हमें बताया है कि उद्योग को सील कर दिया गया है। बिलासपुर देउत स्थित कत्था उद्योग से हुए रिसाव के कारण गंभरोला खड्ड में रसायन युक्त लाल पानी देखने को मिला। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और पानी के सैंपल ले लिए गए हैं। इस खड्ड पर एक सिंचाई व एक निर्माणाधीन पेयजल योजना है, जिससे फिलहाल पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। देखिए, हमने इस बारे में रिपोर्ट तलब की थी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये है कि कहीं कोई ऐसा पानी वहाँ ना चल रहा हो जिससे कि हमारी पानी की स्कीमें इफ़ेक्ट हो जाएं। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही होता है कि कोई हमारा सोर्स वहाँ पे हो और वो कहीं पानी जो है जनता को ना चले जाए, तो इसलिए हमने इसमें फौरी एक्शन लिया था। और ये गमरोला के जो वहाँ के स्थानीय प्रधान ने सबसे पहले सूचित किया था कि ऐसा ऐसा रसायन युक्त या लाल रंग का पानी बह रहा है, और फिर उससे बाद में पता लगा कि वहाँ पे एक कत्था उद्योग चल रहा था, कत्था उद्योग में कोई विस्फोट हुआ या उनके जो टैंक बस्ट हुए थे उनमें से वो जो बह के पानी नदी में आया, और उससे ये स्थितियाँ पैदा हुई। और शुरुआती सूचना के मुताबिक एसपी बिलासपुर ने हमें बताया है कि उद्योग को सील कर दिया गया है। हमारे एससी आईपीएच ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उनके मुताबिक कि यहाँ पे हमारी दो स्कीमें हैं, एक सिंचाई की योजना है और एक अन्य सोर्स हमारा है, और उससे अभी किसी भी जगह कोई पानी नहीं दिया जा रहा है। तो किसी तरह से कोई नलके तक ये ऐसा पानी ना जाए, या उसके लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है, और उस पानी के सैंपल ले लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जो है उसके मुताबिक होगी। सर, क्या जांच भी? जांच तो हो ही गई है कि जब पुलिस मौके पे चली गई है और उन्होंने वहाँ पाया कि वहाँ तीन टैंक जो है बस्ट हुए हैं और उसका उस स्थान को सील कर दिया गया है, और साथ में ही हमारे एससीज हमारी टीम भी वहाँ पे चली गई, उन्होंने पानी के सैंपल भी ले लिए गए हैं। जांच में सारा सामने आ जाएगा, लेकिन फौरी तौर पे हमें ये सुनिश्चित करना था कि अगर ये पानी ये अगर लाल पानी आया है तो इसका इसमें कोई ऐसा रसायन तो नहीं है जिससे कि पब्लिक को नुकसान हो जाए। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि वहाँ पे कोई योजना तो नहीं है डाउनस्ट्रीम, तो वो हमें जो है बताया गया कि यहाँ पे जो योजनाएं हैं उनको हम अभी तक चला नहीं रहे हैं और उनको बंद रखा गया है ताकि किसी भी ढंग से कोई नुकसान जन सामान्य का ना हो।